हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे नवंबर के 1 से 15 तारीख तक के बेस्ट 100 क्वेश्चन। तो ये हमारी सीरीज़ है बेस्ट 200 जो काफ़ी पॉपुलर है। अब से ये सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को हिंदी में। ये वीडियो 3 भाषाओं में अवेलेबल होगा, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश और बाईलिंगुअल। तो ये वाला जो वीडियो है ये होगा बाईलिंगुअल, स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज होगी इंग्लिश और प्रोनंसिएशन होगा हिंदी में। सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धांजलियां, यानी इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई। गणितज्ञ थे बिहार के, बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़े, अमेरिका में प्रोफेसर भी रहे, वशिष्ठ नारायण सिंह। इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी की थ्योरी, उसको भी चैलेंज किया था और ये उस वजह से सुर्खियों में भी आए थे। तो वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार से थे और बहुत बड़े गणितज्ञ थे। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषान, ये भारत के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनकी डेथ हो गई, TN शेषान। पद्मश्री जीत चुके हुए ध्रुपद वोकलिस्ट, यानी ध्रुपद शास्त्रीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक रमाकांत गुंडेचा का निधन भी हो गया। लोकसभा के पूर्व सांसद और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर गुरुदास गुप्ता का निधन भी हो गया, गुरुदास दासगुप्ता। और जॉन विदरस्पून, ये फेमस एक्टर थे, इनका भी निधन हो गया। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीत चुकी लेखक बंगाल की थी नवनीता देवसेन, इनका निधन भी हो गया। नवनीता देवसेन बंगाली में लिखती थी। कृष्ण कुमार मोदी, ये इंडस्ट्री बॉडी फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व प्रेसिडेंट थे, इनकी डेथ हो गई। फिल्म निर्माता चंपक जैन, जिन्होंने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्में बनाई, तो प्रोड्यूसर थे, इनकी डेथ हो गई। तेलुगु एक्ट्रेस, तेलुगु फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस गीतांजलि रामकृष्णा, इनकी डेथ हो गई। और UN रेफ्यूजी की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट फीमेल UN रेफ्यूजी चीफ सडाको ओगाटा, इनकी डेथ भी हो गई। ये 1991 से 2000 तक UN रेफ्यूजी की चीफ थी। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं जो इस दौरान आए। वर्ल्ड डायबिटीज डे, चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये सब होते हैं 14 नवंबर को। और वर्ल्ड डायबिटीज डे का जो थीम था वो था फैमिली एंड डायबिटीज, फैमिली एंड डायबिटीज। और इस दिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रसगोला डे भी मनाती है। वर्ल्ड निमोनिया डे, ये 12 नवंबर को था, इस बार इसका थीम था हेल्दी लंग्स फॉर ऑल, हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। स्ट्रेप्टोकोकस यानी बैक्टीरिया से फैलता है निमोनिया, एक राउंड बैक्टीरिया होता है कोकस बैक्टीरिया। नेशनल लीगल सर्विसेज डे, ये 9 नवंबर को था, नेशनल लीगल सर्विसेज डे। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, ये 8 नवंबर को था और इसका थीम था स्पोर्ट्स इमेजिंग, स्पोर्ट्स इमेजिंग। 7 नवंबर को था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। सुनामी अवेयरनेस डे ये था 5 नवंबर को और इसका थीम था सेंडई 7 कैंपेन। सेंडई एक शहर है जापान में, सेंडई 7 कैंपेन। वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को था, वर्ल्ड वीगन डे। नेशनल यूनिटी डे, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, ये था 31 अक्टूबर को। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं भारत के, जिन्हें आयरन मैन बोलते थे, भारत के पहले होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे। वर्ल्ड सिटीज डे, ये था 31 अक्टूबर को और इसका थीम था चेंजिंग द वर्ल्ड, इनोवेशंस एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज और ओबिचुरी हैं। अब हम MCQ फॉर्मेट पे देखते हैं। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने सूरज अवार्ड शुरू कराए ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए? सूरज अवार्ड स्टार्ट करा है ओडिशा की गवर्नमेंट ने, ओडिशा की गवर्नमेंट ने। और इन्होंने मो इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था, मो बस सर्विस भी स्टार्ट किया था। इनकी योजना है किसानों के लिए जिसका नाम है कालिया, एक पीठा स्कीम भी है ओडिशा की, और यूनिसेफ के साथ मिलके ड्रिंक टैप मिशन भी इस राज्य में चल रहा है ओडिशा के अंदर, ड्रिंक टैप मिशन। कौन सा स्टेट है जिसने ई गन्ना ऐप लॉन्च करा है शुगर केन फार्मर्स के लिए, यानी गन्ने के किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करा है ई गन्ना, ई गन्ना को लॉन्च करा है अभी अभी उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने।
इसके अलावा कन्या सुमंगल योजना भी उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की थी। 2019 वर्ल्ड कबड्डी कप ये कौन से शहर में होगा, कौन से राज्य में होगा? ये इस बार पंजाब में होगा। वर्ल्ड कबड्डी कप पंजाब करेगा इसको ऑर्गेनाइज। किसकी अध्यक्षता में, किसकी प्रेसिडेंसी में या चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी है जो नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करेगी, राष्ट्रीय जल नीति? इनका नाम है मिहिर शाह। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत का जीडीपी कितना ग्रो करेगा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में? एसबीआई के हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रो करेगा सिर्फ 5%। मूडीज के हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रो करेगा 2019 में 5.6, 2020 में 6.6 और 2021 में 6.7। नोमुरा के हिसाब से ग्रो करेगा सिर्फ 4.9%। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के हिसाब से 5.8% और ओईसीडी के हिसाब से हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट रहेगा 5 सालों में वो रहेगा 6.6%। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से ग्रो करेगा 6.1, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से भी 6.1 और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 6%। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा दफ्तर या ऑफिस है जो आरटीआई के अंडर आ गया है? तो ये है ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस अभी आरटीआई के अधीन आ गया है। और अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो गए, रंजन गगोई, असम के थे ये हमारे 46th चीफ जस्टिस थे, अब जो बने हैं 47th, उनका नाम है एस ए बोबड़े और ये नागपुर के हैं। इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जिन्होंने शिशु सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया है? शिशु सुरक्षा ऐप चिल्ड्रंस डे के दिन लॉन्च किया असम की सरकार ने, सो असम गवर्नमेंट ने किया है। और असम गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि 2021 के बाद अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये दिल्ली में हो रहा है, तो ये इसका कौन सा एडिशन हो रहा है? ये 39th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, और इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पार्टनर कंट्री है इस बार अफगानिस्तान, पार्टनर कंट्री है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान ने जो मूवी है अभी अहमद शाह अब्दाली का पोर्ट्रेल किया गया पानीपत में, उस पर ऑब्जेक्शन किया है। इस मूवी को आशुतोष गोवारीकर ने डायरेक्ट किया है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, तो पार्टनर कंट्री ये है। और फोकस कंट्री है साउथ कोरिया, पार्टनर कंट्री अफगानिस्तान, फोकस कंट्री साउथ कोरिया। इसके अलावा फोकस स्टेट भी हैं दो, एक तो बिहार और एक झारखंड, तो फोकस स्टेट है बिहार और झारखंड। हु हैज बीन एडेड टू द बोर्ड ऑफ द न्यूयॉर्क मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट? मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जो न्यूयॉर्क में है, इसके जो बोर्ड है ऑफ डायरेक्टर है उनमें किस भारतीय को जगह मिली है? इनका नाम है नीता अंबानी, ये मुकेश अंबानी की वाइफ हैं, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की ये वाइफ हैं। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये कब मनाया जाता है भारत में? ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी वो ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस उन्होंने विजिट किया था, सो 12 नवंबर को होता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये कहां बन रहा है? याद रखिए ये गुजरात में बन रहा है, दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, और ये भावनगर में बन रहा है, भावनगर गुजरात। सबसे कम मैचों में किस इंडियन ने 50 T20 विकेट लिए हैं इन द लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस, यानी सबसे तेज? ये पहले चेस खिलाड़ी थे, बाद में क्रिकेट खिलाड़ी बन गए, इनका नाम है युजवेंद्र चहल। और क्योंकि चेस खिलाड़ी थे तो इनकी जो कपड़े की कंपनी इन्होंने शुरू करी है उसका नाम है चेकमेट नाम की एक कंपनी शुरू करी है युजवेंद्र चहल ने। ये पहले चेस खिलाड़ी थे, भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है चेस में, और फिर ये क्रिकेटर बन गए। तो ये सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं, और ये सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं भारत से जिन्होंने 50 विकेट लिए हैं T20 में। इससे पहले जसप्रीत बुमराह और रविचंद्र अश्विन, इन दोनों ने लिए 50 विकेट। भारत का जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है इसको कौन सी सेना के साथ मर्ज करने की सलाह दी है? यह मर्जर ऑफिशियल हो सकता है अब कभी भी, यह है असम राइफल्स। असम राइफल भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, और इसके अलावा जो भी हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उनको 100 दिन छुट्टी दी जाएगी मिनिमम, यह भी डिसाइड करा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। 2019 फेड कप का टाइटल किसने जीता?
फेड कप जो होता है ये टेनिस के लिए होता है और इस बार ये जीता फ्रांस ने, फ्रांस ने फाइनल में हराया ऑस्ट्रेलिया को। ये टेनिस का टूर्नामेंट है, फ्रांस ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। एयर फेस्ट ये कहां पे होगा? ये इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करेगी इसे, एयर फेस्ट। एयर फेस्ट होगा नागपुर में, नागपुर। और नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर के एक खिलाड़ी भी हैं जो भारत के 65th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, रौनक साधवानी। रौनक साधवानी नागपुर से लोकसभा सांसद हैं नितिन गडकरी, जो एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं और रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी हैं। डिफेंस इनोवेशन कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है डेफ कनेक्ट, ये कहां पे होगा? इसमें जो भी हमारी डिफेंस एक्सीलेंस में इनोवेशन है वो शोकेस किए जाएंगे। ये होगा नई दिल्ली में और इसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो चीफ गेस्ट थे। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ और लखनऊ में होगा अगले साल डिफेंस एक्सपो। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कौन सा लेक है जिसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है? इस लेक की कैपेसिटी 40% कम हो गई है और पॉल्यूशन भी काफी बढ़ गया है यहाँ पे, तो इसलिए इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। ये है डल लेक, डल लेक। चेल्सी फुटबॉल क्लब, ये इंग्लैंड का बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है, चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के लिए किसे बनाया है? इनका नाम है अर्जुन कपूर। ये चेल्सी फैन भी हैं और अभी ये बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर चेल्सी फुटबॉल क्लब इंडिया के लिए। एक स्पोर्ट्स कंपनी है जिसका नाम है ट्रू सॉक्स, ये सॉक्स बनाती है, खिलाड़ियों के लिए जुराबे बनाती है। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ने राइनोज को बचाने के लिए रोहित फॉर राइनो कैंपेन भी स्टार्ट किया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया और एनिमल प्लैनेट के साथ मिलकर। नेशनल एजुकेशन डे हम कब मनाते हैं इंडिया में? नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है उनका बर्थडे होता है। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये होता है 11 नवंबर को, 11th of November। इन्हें भारत रत्न भी मिला था। भारत का पहला एलिफेंट मेमोरियल कौन से हाईवे पे बना है? भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल, एलिफेंट वाटर क्लिनिक दोनों बने हैं मथुरा में, और एलिफेंट मेमोरियल बना है आगरा मथुरा हाईवे पे। इन तीनों को ही बनाया है एक एनजीओ ने जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ SOS। और भारत का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर बना है केरला के कोट्टूर में, एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, हाथी पुनर्वास केंद्र। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये 2G इथेनॉल प्लांट लगा रही है, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगा रही है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लगा रही है इसको पानीपत में, पानीपत में लगेगा 2G इथेनॉल प्लांट। कौन सा स्टेट है जिसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मांगा है अपने 14 होयसला टेम्पल्स के लिए? ऑलरेडी यहाँ पे हम्पी और पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया हुआ है यूनेस्को ने, ये है कर्नाटका। तो कर्नाटका ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मांगा है होयसला टेम्पल्स के लिए। किसकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी है जिसका काम ये होगा कि जो हमारे CAPF जवान हैं उनको 100 दिन का अवकाश मिले, ये सुनिश्चित किया जाए, ये लागू किया जाए? तो इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं अतुल करवल, अतुल करवल। ये कमेटी बनाई है अमित शाह ने जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात का पहला केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड भारत के किस जीव वैज्ञानिक को दिया गया है जीव संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए? इनका नाम है के उल्लास करंत, के उल्लास करंत। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनो को बचाने के लिए किस फॉरेस्ट गार्ड ने पिछले 30 सालों में अपना योगदान दिया है, इसलिए इन्हें रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है, अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है दिम्बेश्वर दास को। वन हॉर्न राइनो असम का स्टेट एनिमल भी है। इंडियन रेलवेज ने कौन सा कार्टून कैरेक्टर लॉन्च कराया जिससे जो पैसेंजर हैं उनको सेफ्टी के बारे में जागरूक कराया जा सकेगा, अवेयरनेस? इस कैरेक्टर का नाम है गप्पू भैया, गप्पू भैया। और अगर पूछें ये कौन से रेलवे जोन ने किया है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने किया है ये लॉन्च, गप्पू भैया। इसके अलावा ओडिशा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक कैरेक्टर लॉन्च करा है महिलाओं में और बच्चों में मेल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम है टिक्की मौसी, टिक्की मौसी। गवर्नमेंट ने कौन सा मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करा है सिविल सर्विस ऑफिसर्स, जिसमें जो युवा हैं उन्हें अपने करियर के प्रति गाइड करेंगे?
इसका नाम रखा गया है नर्चर द फ्यूचर, नर्चर द फ्यूचर। और एक चीज याद रखिए, एक फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है सिविल सर्वेंट्स के लिए, उसका नाम है आरंभ, आरंभ। और आरंभ को लॉन्च किया गया था केवड़िया गुजरात से, केवड़िया गुजरात से। कौन सी टेलीविजन पर्सनैलिटी है जिन्हें कैरोल बर्नेट अवार्ड मिला है? ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम है, कैरोल बर्नेट अवार्ड, गोल्डन ग्लोब में दिया जाता है। तो 2020 का गोल्डन ग्लोब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिलेगा? ये मिलेगा एलन डी जेनेरिस को, एलन डी जेनेरिस। कौन सी राइटर हैं जिन्हें टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, अपनी आजीवन उपलब्धि पुरस्कार इन्हें मिला है अपनी लेखने के लिए, अपनी राइटिंग स्किल्स के लिए? इनका नाम है शांता गोखले, शांता गोखले। सबसे कम उम्र के इंडियन क्रिकेटर कौन बने या बनी जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है? इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 30 साल पुराना। सचिन तेंदुलकर की उम्र थी 16 साल 214 दिन और इनकी उम्र है 15 साल 285 दिन। लड़की है 15 साल की, इनका नाम है शेफाली वर्मा। सिर्फ 15 साल 285 दिन इनकी एज है, शेफाली वर्मा। कौन से राज्य ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 9 नवंबर को? तो 9 नवंबर को फाउंडेशन डे होता है उत्तराखंड का। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था नया राज्य। और अगर हम 6 दिन बाद देखें 15 नवंबर को, 15 नवंबर को झारखंड का स्टेटहुड डे होता है, अपना उनका फाउंडेशन डे होता है झारखंड का, क्योंकि 15 नवंबर को बर्थडे होता है बिरसा मुंडा का, जो ट्राइबल लीडर थे, और इनका जन्म झारखंड के उलीहटू विलेज में हुआ था। गूगल ने जो बर्लिन दीवार गिरी उसकी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी? बर्लिन दीवार गिरी थी 9 नवंबर को, जिस दिन अयोध्या का वर्डिक्ट आया था। तो ये 30th एनिवर्सरी थी बर्लिन वॉल की फॉल की, जिसको डूडल बनाकर गूगल ने सम्मानित किया। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? इंडिया में होता है साइंस डे 28 फरवरी को, जिस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। और वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट होता है 10 नवंबर को। इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, इसका थीम था ओपन साइंस, ओपन साइंस, लीविंग नो वन बिहाइंड, ओपन साइंस, लीविंग नो वन बिहाइंड। टाइटन आईवीआर, इन्होंने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टाइटन टाटा ग्रुप की है और टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन की बुक भी आई अभी अभी, जिसका नाम है ब्रिजिटल नेशन, ब्रिजिटल नेशन। इनका नाम है आयुष्मान खुराना। इनकी फिल्म भी आई अभी अभी, जिसका नाम है बाला। कौन सा स्टेट है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ 2018 में? 50% वायलेंस के केसेस यहीं से आए, ये है मणिपुर। मणिपुर जहां पे लोकटक लेक है, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी है मणिपुर के अंदर। सबसे पहला जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंद्र, ये भारत कौन से देश के साथ कर रहा है? इंद्र आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की होता है अलग अलग, ये करता है भारत रशिया के साथ, रशिया के साथ। गूगल इंडिया ने किसे अपना नया इंडिया हेड बनाया है, यानी कंट्री मैनेजर? पहले थे राजन आनंदन, लेकिन अब इनका स्थान लिया है संजय गुप्ता ने, तो संजय गुप्ता बन गए हैं गूगल इंडिया के नए हेड। नासा ने एक ऐसा एरोप्लेन शुरू कराया जो बिजली से चलता है, इसका क्या नाम है? यह पहला इलेक्ट्रिक एयरप्लेन है, इसका नाम रखा है X-57 Maxwell। इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने एक अपना वीडियो गेम निकाला है, मोबाइल पे चलेगा ये मोबाइल गेम, इसका नाम क्या रखा है? इसमें कई सारे खिलाड़ी खेल सकते हैं एक साथ, इसका नाम है इंडियन एयरफोर्स अ कट अबव। और इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया। टाइगर ट्रायम्फ, ये पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और अमेरिका के बीच, ये कहां पे हो रही है? ये दो जगह पे हो रही है, एक तो काकीनाडा और एक विशाखापट्टनम, दोनों हैं आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा और विशाखापट्टनम। इसके अलावा वज्र प्रहार जो अमेरिका के साथ हम करते हैं, वो इस बार हुई सिएटल वॉशिंगटन में। कौन सी बॉलीवुड मूवी है जिसमें अहमद शाह अब्दाली के पोर्ट्रेल पे अफगानिस्तान ने ऑब्जेक्ट करा है? तो यह है पानीपत, पानीपत के डायरेक्टर हैं आशुतोष गोवारिकर। और अभी अभी फिल्मों के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में स्टार्ट हुआ है, ये 50वां यानी गोल्डन जुबली है इसकी, 50वां फिल्म फेस्टिवल है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और रशिया है इसमें पार्टनर कंट्री। भारत और कौन सा देश मिलकर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है समुद्र शक्ति? समुद्र शक्ति बे ऑफ बंगाल में होगी, ये समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है, भारत और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दोबारा बन गए हैं जोको विडोडो,
कैपिटल है इसकी ईस्ट कालीमंतन, जो बोर्नियो आइलैंड पे, पहले जकार्ता थी और जकार्ता हेडक्वार्टर है आसियान का। निकोला एडम्स, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ये कौन सा खेल खेलती थी? 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स और 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील ओलंपिक्स, दोनों में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने बॉक्सिंग में। सो आंसर है बॉक्सिंग। दो बॉक्सर और याद रखिए, एक तो मैरी कॉम मणिपुर की 6 बार वर्ल्ड चैंपियन और एक है मंजू रानी। मंजू रानी ने उलन उड़े नाम का जो शहर है रशिया में, वहां पे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2019, वहां पे सिल्वर मेडल जीता मंजू रानी, हरियाणा से। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है किसानों के लिए, जिसका नाम है फार मित्र? फार मित्र को लॉन्च करा है बजाज आलियांज ने, बजाज आलियांज। इसके अलावा कुछ और भारत के मंत्रालय हैं जिन्होंने अभी अभी ये पोर्टल लॉन्च करे हैं। समाधान पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। लाडिस पोर्टल, लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और टोटल भारत में 111 टोटल जो जलमार्ग हैं यानी नेशनल वाटरवे हैं वो हैं, 5 ऑलरेडी थे, 6 अभी बन रहे हैं। सबसे बड़ा है नेशनल वाटरवे 1 जो अलाहाबाद से हल्दिया तक है, गंगा नदी के ऊपर, अलाहाबाद से हल्दिया। एनश्योर पोर्टल ये शुरू करा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। डीबीटी ट्राइबल वेब पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। और पैसा पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। न्याय बंधु पोर्टल लॉन्च किया है लॉ मिनिस्ट्री ने। लॉ मिनिस्टर हैं लॉ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब से ये लोकसभा सांसद हैं। हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर दोनों एक ही हैं, हरदीप सिंह पुरी। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, खुंटिया उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है झारखंड में। और एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जिसको जल शक्ति मंत्रालय बोलते हैं, उसके अधीन काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके जो मंत्री हैं वो आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताने हमारा मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन है। और दूसरा क्वेश्चन आपको कमेंट्स में ये लिख के बताना है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कल ही मैंने बताई थी एक वीडियो में, आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। सेकेंड फास्टेस्ट इंडियन कौन है जिन्होंने 2000 रन बनाए हैं वनडे मैचेस में? सेकेंड फास्टेस्ट यानी दूसरे नंबर पे सबसे कम मैचों में इन्होंने ये करके दिखाया है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने सबसे दूसरे नंबर पे सबसे कम मैचों में यानी सिर्फ 51 मैचेस में 2000 रन बनाए हैं। और फास्टेस्ट कौन थे? फास्टेस्ट थे शिखर धवन। शिखर धवन ने ये 48 मैचेस में करके दिखाया था। तो शिखर धवन थे नंबर 1, स्मृति मंधाना है नंबर 2। स्मृति मंधाना को अर्जुन अवार्ड भी मिला था इस साल। 29th व्यास सम्मान किसे मिला है? व्यास सम्मान जो है ये साहित्य का पुरस्कार है, ये मिला है नसीरा शर्मा को, जो हिंदी की जानी मानी कवित्री हैं, लेखिका हैं। और इन्हें इनकी किताब कागज की नाव के लिए मिला है, कागज की नाव मतलब पेपर बोट, उसके लिए मिला है इन्हें व्यास सम्मान। 11वां ब्रिक्स समिट कहां पे हुआ? 11वां ब्रिक्स समिट हुआ ब्राजील में। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो, जो रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे 26 जनवरी 2020। और वीजा इन्होंने फ्री कर दिया है, मतलब वीजा अब जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ब्राजील जाना है तो, इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे होगा 2023 में? 2023 में वहीं पे होगा जहां पे 2019 में हुआ, वो है ओडिशा यानी इंडिया। तो इंडिया में होगा 2023 में भी वर्ल्ड कप। और भारत पहला कंट्री बन जाएगा जहां पे 4 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हो जाएंगे, ठीक है। 1982 में भी इंडिया में हुआ था, मुंबई में हुआ था, लेकिन तब 2010 में नई दिल्ली में हुआ था, 2018 में भुवनेश्वर, और अब 2023 में भी इंडिया में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, इसके जो चेयरमैन है वो है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये भी इंडियन है। पहला क्रिकेटर पूरी दुनिया में जिसने 2500 रन बनाए T20 में, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में 2500 रन बनाए। इंडियन रेलवेज का जो वेस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे जोन, इन्होंने कौन सा नया रेल का डब्बा शुरू करा है? ये मुंबई की लोकल ट्रेन्स में शुरू किया गया है और इसका नाम रखा गया है उत्तम रेक। उत्तम रेक, और उत्तम रेक को लगाकर जो पहली ट्रेन चली वो चली चर्च गेट से विरार। विरार भारत का दूसरा सबसे साफ सब अर्बन रेलवे स्टेशन है। सबसे साफ सब अर्बन यानी उपनगरीय स्टेशन है अंधेरी। और अगर नॉर्मल स्टेशन की बात करूं तो पहले नंबर पे जयपुर, दूसरे नंबर पे जोधपुर। जो हमारा कोल और माइंस के मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी,
इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़, इन्होंने अनाउंस करा है कि अगर कोयले की खान में किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसको सरकार अब कितना रुपया देगी। पहले था ये 5 लाख और अब इसको कर दिया गया है 15 लाख, यानी 3 गुना बढ़ा दिया गया। राजा राम मोहन रॉय अवार्ड के लिए किसे चुना गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा? ये राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन है, इनका नाम है गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी अभी अभी कौन सा जहाज है जो निगरानी रखने वाला जहाज है, यानी गश्ती लगाने वाला जहाज है, ये डिलीवर किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर ने इंडियन कोस्ट गार्ड को। जीआर ऐसी पहली कंपनी है जिन्होंने 100 जहाज बना के दिए हैं भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड को। अब जो लेटेस्ट जहाज दिया है वो है आईसीजीएस एनी बेसेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक हार्मोनाइज सिस्टम अलॉट किया है खादी फैब्रिक्स को, जिससे इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसान हो पाएगा। तो HS जो है ये कितने डिजिट का होता है? HS 6 डिजिट का होता है और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की कैपिटल, और ब्रुसेल्स में ही नेटो का हेडक्वार्टर भी है और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। कौन सी आईटी कंपनी है जिन्होंने न्यूयॉर्क की कंपनी बॉन ग्रुप को खरीद लिया है $95 मिलियन में? यह एक्विजिशन हुआ है अभी, यह खरीदा है टेक महिंद्रा ने। टेक महिंद्रा ने बॉन ग्रुप को बाय कर लिया है। और गूगल ने कंपनी को खरीदा है अभी, जिसका नाम है फिटबिट। कौन सा इंडिया का रेलवे स्टेशन है जहां पे हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं? हेल्थ एटीएम ये योलो कंपनी ने लगाए हैं। ये लगाए हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जो लखनऊ में है, चारबाग रेलवे स्टेशन। कौन से राज्य की सरकार ने ये अनाउंस करा है कि 2021 से डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे और 15 साल पुरानी डीजल से चलने वाली गाड़ियां भी नहीं चलेंगी? ये दोनों चीज अनाउंस करी है बिहार की गवर्नमेंट ने। बिहार, नीतीश कुमार यहां के CM है और फागू चौहान जो है वो यहां के राज्यपाल है। UAE के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? UAE के प्रेसिडेंट बने अभी शेख खलीफा बिन जायद। UAE की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय धोत्रे, इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जो नवोदय विद्यालय के लिए, जो भारत के सारे स्कूलों के लिए है वो है शगुन, और नवोदय विद्यालय के लिए वो है शाला दर्पण। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, शगुन है सारे स्कूल्स के लिए और शाला दर्पण है नवोदय विद्यालय के लिए। HRD मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी चेयरमैन है रीता टियोटिया। इन्होंने ये अनाउंस करा है कि जो स्कूल है वहां पे जंक फूड नहीं बेचा जाएगा। तो किसी भी स्कूल कैंपस के कितने मीटर के रेडियस में कोई भी जंक फूड, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह, ये बर्गर, ये सब नहीं बेचे जाएंगे। याद रखिए, ये रखा है 50 मीटर, किसी भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे में कोई भी जगह जंक फूड नहीं बेचा जाएगा। और FSSAI ने अभी अभी ट्रांस फैट फ्री लोगो भी इनॉग्रेट किया था, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था, मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा ईट राइट इंडिया भी स्टार्ट करा है FSSAI ने। इसका पर्पज ये है कि 2022 तक जो ट्रांस फैट होते हैं, जो हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं बॉडी के लिए, उनको कम करके सिर्फ 2% कर दिया जाए खाने के अंदर। इन्होंने इसी के लिए एक स्वस्थ भारत यात्रा भी निकाली थी, जिसमें तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया था। और FSSAI ने अभी अभी नेशनल फूड लेबोरेटरी भी बनाई है अपनी गाजियाबाद में। 7 जून को पहली बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी मनाया गया। ये सबसे पहली बार है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया 7 जून को। इसका थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो WHO और FAO ने मिलकर बनाया। WHO के चीफ हैं टेड्रोस अधानोम, जो इथोपिया के हैं। WHO का हेडक्वार्टर जनेवा में है, और FAO के हैं कू डोंगयू, जो चाइना के हैं। FAO का हेडक्वार्टर रोम में है, जहां पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा FSSAI ने जो ट्रांस फैट है उनको कम करने के लिए हार्ट अटैक रिवाइंड नाम का कैंपेन भी स्टार्ट किया था। कौन सी एनिवर्सरी अभी गंगा नदी की हुई? गंगा नदी को नेशनल रिवर डिक्लेयर किए हुए कितने साल हो गए? इस खुशी में गंगा उत्सव मनाया गया ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। सो ये थी 11th एनिवर्सरी गंगा को जब नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार भारत का नंबर वन राज्य कौन सा है जो अपने सिटीजन्स को जस्टिस दे पाता है? सबसे अच्छा जस्टिस डिलीवरी होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नंबर वन है, केरला नंबर टू है, और छोटे राज्यों में बात करूं तो गोवा नंबर वन है। ठीक है, गोवा नंबर वन है। साइक्लोन बुलबुल, ये नाम कौन से देश ने सजेस्ट किया था? साइक्लोन बुलबुल को सजेस्ट किया था पाकिस्तान ने। तो यहां पे आप सारे देख लो, बुलबुल नाम सजेस्ट किया था पाकिस्तान ने, फानी किया था, फानी या फोनी, ये सांप के डंक को बोलते हैं, बांग्लादेश ने किया था, वायु सजेस्ट किया था इंडिया ने, हिक्का मालदीव्स ने,
क्यार, म्यांमार ने और साइक्लोन महा ये नाम सजेस्ट किया था ओमान ने। स्किन केयर ब्रांड है जॉय, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? जॉय ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कृति सानो को, कृति सानो। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? इसमें जो नंबर वन कंट्री है वो कौन सा है? नॉर्वे, नॉर्वे है नंबर वन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे के खिलाड़ी हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन और 133 रैंक है इंडिया की और 167 कंट्रीज में 133, और जो कंट्री लास्ट है यानी 167 नंबर पे है वो है यमन, यमन की कैपिटल है सना। हमारी यूनियन कैबिनेट ने एमओयू अप्रूव करा है भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत को पानी मिलेगा 1.82 क्यूसेक, कौन सी नदी का? तो ये नदी साउथ बांग्लादेश में बहती है, इसका नाम है फेनी रिवर, फेनी रिवर। पहली बार पिछले 60 सालों में कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 नवंबर को? 1 नवंबर को पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु। कौन से इंडियन है जिन्हें डेमिंग प्राइज मिला है? ये पहले इंडियन है जिन्हें डेमिंग प्राइज मिला है, इनका नाम है वेणु श्रीनिवासन। और ये कौन है? ये टीवीएस ग्रुप के चेयरमैन है, जो बाइक्स वगैरह बनाता है, मोटरसाइकिल वगैरह, टीवीएस ग्रुप, उसके चेयरमैन है वेणु श्रीनिवासन। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक एक्सरसाइज करी जिसका नाम है रिसरेक्स, यानी रेस्क्यू वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज, ये कहां पे की? ये की इन्होंने गोवा में, सो आंसर है गोवा। कौन सा बैंक है जो $451 मिलियन का लोन दे रहा है चेन्नई कन्याकुमार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पावर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए? यानी साउथ तमिलनाडु से नॉर्थ तमिलनाडु में पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होगा, तो तमिलनाडु को लोन मिलेगा $451 मिलियन का, ये लोन दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में और इसके प्रेसिडेंट जनवरी तक रहेंगे ताकि ही को नकाओ। कौन सा IIT है भारत का जिन्होंने पहली सेल्फ स्टैंडिंग व्हील चेयर लॉन्च करी है जिसका नाम है अराइज, अराइज को लॉन्च किया है IIT मद्रास ने, अराइज रखा है इस चेयर का नाम। SRSS ये कौन से देश की पहली सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई अभी अभी? ये सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च करी है और ये है सूडान की सैटेलाइट, सूडान। कौन सी सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे लंबा एस्ट्रोफिजिक्स लेसन और स्पेक्ट्रोस्कोप की असेंबली के लिए? यहां पे 45 मिनट का एस्ट्रोफिजिक्स लेसन हुआ और इसमें 1598 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये मेघनाथ साहा और CV रमन को डेडिकेट किया गया था ये लेसन, तो ये हुआ कोलकाता में, कोलकाता। हिमाचल प्रदेश ने राइजिंग हिमाचल नाम का ग्लोबल इन्वेस्टर मीट किया, ये कहां पे हुआ? राइजिंग हिमाचल ये हुआ अभी अभी धर्मशाला में, जो सेकंड कैपिटल है हिमाचल की, धर्मशाला। और एक चीज और, इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो यामी गौतम को बनाया गया। पीएस श्रीधरन पिल्लई ये भारत के कौन से राज्य के गवर्नर बने? ये बने हैं मिजोरम के गवर्नर, मिजोरम जिसकी कैपिटल है आइजवाल। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहां पे होगा? 2020 में होगा और ये होगा इंडिया में। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप कहां पे होगा 2022 में? ये होगा कतर में। इनमें से लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन बना है? लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाया गया है मिस्टर आदित्य मिश्रा को, आदित्य मिश्रा। WTA फाइनल्स किसने जीता? WTA फाइनल्स जीता इस बार एशले बार्टी ने, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। और आपको चारों ग्रैंड स्लैम विनर याद रखने हैं वुमेन्स के। US ओपन जीता था बियंका एंड्रेस्क्यू, कनाडा की हैं। विंबलडन जीता था सिमोना हेलेप, रोमानिया की। ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था नाओमी ओसाका ने, ये जापान की हैं। और फ्रेंच ओपन जीता एशले बार्टी ने, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। और अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो US ओपन और फ्रेंच ओपन जीता था राफेल नडाल ने, जो स्पेन के हैं। और विंबलडन ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के हैं। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, इसके लिए कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है? स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म करा है IBM के साथ, और IBM ही इंडियन गवर्नमेंट की मदद कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने में एग्रीकल्चर के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर को भी लेके आएगा IBM। इसके अलावा गूगल बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को भी सपोर्ट दे रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का प्रोजेक्ट है बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया। गूगल का ऐप भी है बोलो, जो लैंग्वेजेस सिखाता है लोगों, बच्चों को, खासकर हिंदी और इंग्लिश। अब बहुत सारी और लैंग्वेज भी ऐड कर दी गई है इसके ऊपर। गूगल आयुष्मान भारत को इंप्लीमेंट करने में भी सरकार की मदद कर रहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ इसने एग्रीमेंट करा है गूगल ने।
और लू रिव्यू कैंपेन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है, आपके नजदीकी टॉयलेट को सर्च करने के लिए लू रिव्यू कैंपेन, वो भी गूगल कर रहा है, और क्राफ्टेड इन इंडिया प्रोजेक्ट भी गूगल कर रहा है। क्राफ्टेड इन इंडिया प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर कर रहा है। इसके अलावा जो गोल इनिशिएटिव है अभी जिसमें 5000 जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा, ये कर रहा है फेसबुक। तो गोल इनिशिएटिव फेसबुक का है, और गूगल ने अभी 27 सितंबर को अपना 21st बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। गूगल को शुरू किया था सर्जे ब्रिन और लैरी पेज ने। इसके अलावा इंस्टाग्राम शुरू किया था केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर ने, और व्हाट्सएप शुरू किया था ब्रायन एक्टन और जैन कुम ने। इनमें से कौन सा मंत्रालय है भारत का जिसने वेस्टलैंड एटलस लॉन्च करी है? वेस्टलैंड एटलस 2019 ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन सा रेलवे स्टेशन है जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो विजुअल, साउथ इंडिया का पहला जो विजुअल चैलेंज फ्रेंडली हो गया है, यानी ब्लाइंड फ्रेंडली? ये है कोयम्बटूर। तो साउथ इंडिया का पहला है कोयम्बटूर। यहां पे ब्रेल वगैरह में सारे साइंस पुट किए गए हैं। और ये भारत का कौन सा है? ये भारत का चौथा स्टेशन है, याद रखिए। इससे पहले मैसूरु, बेंगलुरु और बोरीवली स्टेशन, ये है विजुअल फ्रेंडली। मैसूरु और बेंगलुरु दोनों है कर्नाटक में, और बोरीवली स्टेशन है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये चौथा स्टेशन है कोयम्बटूर जो भारत में ब्लाइंड फ्रेंडली बनाए और साउथ इंडिया का पहला है। इसके अलावा 5000वां रेलवे स्टेशन जहां पे फ्री वाईफाई दिया गया है वो है मिदनापुर वेस्ट बंगाल का। 1000वां था राय रोड, पहला था मुंबई सेंट्रल। 2000वां है राणा प्रताप नगर स्टेशन। 3000वां है एलेनाबाद, और 4000वां है तिनसुकिया। कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, जहां पे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लेपर्ड यानी तेंदुआ जो होता है उसके लिए एक बुक लॉन्च की है अभी कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की योगी आदित्यनाथ ने। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर, यूनानी मेडिसिन त्वचा रोगों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान बनाए, कहां पे? ये बनाया अभी हैदराबाद में। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन के लिए कहां बनाया? वो बना है गाजियाबाद यूपी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद में, लेकिन स्किन डिसऑर्डर के लिए बना है हैदराबाद में। अभी जेसीबी प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए, ये कौन सी किताब के लिए मिला है? ये किताब है द फार फील्ड, कश्मीर के ऊपर लिखी है किताब द फार फील्ड, और इसको लिखा है माधुरी विजय ने, माधुरी विजय। कौन सा स्टेट है जिसने अभिजीत बैनर्जी की लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब के साथ पार्टनरशिप करी है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए? लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डफलो और माइक क्रेमर जो नोबेल प्राइज विनर हैं, तो अभिजीत बैनर्जी और इनकी वाइफ ने स्टार्ट करी थी लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब अमेरिका में। ओडिशा ने पार्टनरशिप करी है इनके साथ पॉवर्टी को कम करने के लिए। कौन सा कंट्री है जो फोकस कंट्री बना 25th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? 25th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जर्मनी होगा इस बार फोकस कंट्री, फोकस कंट्री। हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग अर्बन अफेयर्स और सिविल एविएशन, इन्होंने गुरु नानक जी के नाम पर एक विभाग लॉन्च करा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में? यह है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम। 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक जी की 12 नवंबर को। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने दो नए आईटी इनिशिएटिव शुरू करे हैं, आइस डैश और अतिथि? अतिथि हेल्प करेगा जो विदेशी इंडिया में आते हैं उनकी कस्टम्स क्लियरेंस में, और आइस डैश जो है वो फॉरेन जो बिजनेसमैन है उन्हें अपने लॉजिस्टिक्स को लॉजिस्टिक में हेल्प करेगा। ये बताएगा कि कितने भारत के एयरपोर्ट और पोर्ट्स हैं और उन पर कितना टाइम लगता है कस्टम्स क्लियरेंस के लिए। तो ये दोनों लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपब्लिक डे पे कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है? ये है जेयर बोल्सोनारो, ब्राजील के प्रेसिडेंट। ब्राजील ब्रिक्स का हिस्सा है और ब्रिक्स समिट भी इस बार ब्राजील में हुआ। AHTU ये भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। AHTU क्या है? ये है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, यानी मानव तस्करी को रोकने के लिए जो यूनिट बनेंगे, तो मानव तस्करी निरोधी इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। तो एच की फुल फॉर्म है इसमें ह्यूमन। भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जिसमें रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी स्टार्ट हुई है? यह है सफदरजंग दिल्ली, यहां पे रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट की गई है। कौन सा शहर है जिसे दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसने? यह है कानपुर। तो कानपुर है दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर, इतना पोल्यूटेड कि इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत
महाराष्ट्र को कौन से स्टेट के साथ टैग किया गया है? ये दोनों स्टेट एक दूसरे का कल्चर और आर्ट प्रमोट करेंगे, तो महाराष्ट्र के साथ ओडिशा को टैग किया गया है, ओडिशा। कौन सा स्टेट है जहां पे पहला माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर इनॉग्रेट हुआ है? अभी माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर ये तमिलनाडु में इनॉग्रेट हुआ है। और अगर पूछे तमिलनाडु में कहां? मदुरई, मदुरई में। और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां बना है? ई वेस्ट क्लिनिक बना है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए भोपाल में। भारत 100 एयरपोर्ट और खोलेगा कौन से साल तक? तो 100 एयरपोर्ट्स खोलने का टारगेट है 2024 तक। और याद रखिए, सोवा एयरपोर्ट जो था भारत में वो था सिक्किम का पैक्योंग एयरपोर्ट। पेगासस ये कौन से ये क्या है पेगासस? तो पेगासस एक स्पाईवेयर है, इसने भारत में स्पाई की कोशिश की, ये भी याद रखिए। ये इसराइल का है स्पाईवेयर पेगासस, इसको बनाया है कंपनी ने जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप, एनएसओ ग्रुप। इसने व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश की। इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, फीमेल प्रेसिडेंट? इनका नाम है सहले वर्क ज़ेवडे। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, और टेड्रोस अधानोम जो WHO के चीफ हैं वो भी इथोपिया के हैं। और इथोपिया के प्रधानमंत्री जो हैं, ये तो मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, अबे अहमद अली, उन्हें नोबेल प्राइज मिला इस बार पीस के लिए, क्योंकि उन्होंने एरिट्रिया के साथ जो उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं स्कॉजेट टैक्स, ये अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, इसको इनॉग्रेट करा। कहां पे हो रही है ये इनॉग्रेट की गई? नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा। और इसमें जो कंट्री है हमारे, 8 कंट्री हैं जो SCO का मेंबर है, और SCO शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वो है बीजिंग में। बीजिंग में ही हेडक्वार्टर है AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता? रग्बी वर्ल्ड कप को जीता इस बार साउथ अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने जीता और इंग्लैंड में हराया। और रग्बी वर्ल्ड कप हुआ कहां पे था? ये जापान में हुआ था, साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा के जीता रग्बी वर्ल्ड कप। टेलीकॉम रेगुलेटर ने ये कहा है कि अगर आप किसी को मोबाइल पे कॉल करते हो तो वो कितने सेकंड तक बजनी चाहिए और उसके बाद ही वो कट सकती है अगर वो व्यक्ति फोन ना उठाए। तो मोबाइल पे रखा गया है इसे 30 सेकंड, और लैंडलाइन पे रखा गया है 60 सेकंड। यानी आप किसी को अगर मोबाइल फोन पे फोन करते हैं तो अगर वो 30 सेकंड तक उसने नहीं उठाया तो वो कटेगा अपने आप। तो 30 सेकंड होनी चाहिए मिनिमम, और लैंडलाइन पे होना चाहिए 60 सेकंड। भारत जो है ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश के ऊपर जो ग्लोब माइक्रोस्कोप रिपोर्ट आई है उसमें भारत का क्या स्थान है? नंबर वन कंट्री है इसमें कोलंबिया, और इसमें जो इंडिया है वो है 5वें नंबर पे। आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हो रहा है जिसमें पार्टनर कंट्री रशिया है, तो ये गोल्डन जुबली है इसकी, इसमें आइकॉन का अवार्ड किसे मिलेगा? ये मिलेगा इंडिया की तरफ से मिलेगा रजनीकांत। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा फ्रांस की एक्ट्रेस इसाबेले हपर्ट को, इसाबेले हपर्ट। कौन से शहर में COP25 हो रहा है? ये UN का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। COP25 पहले चिले में होना था, चिले ने मना कर दिया, अब होगा ये स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। मैड्रिड हेडक्वार्टर है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, और वर्ल्ड टूरिस्ट डे होता है, जो टूरिज्म डे होता है वो होता है 27 सितंबर को। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने जो नॉर्थ ईस्ट बुक फेयर है उसको इनॉग्रेट करा, ये कहां पे हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट बुक फेयर हो रहा है गुवाहाटी में, गुवाहाटी में हो रहा है। और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और जो CM है वो है सर्बानंद सोनोवाल। कौन सा इंस्टीट्यूट है भारत का जो इसरो के साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बनाएगा? स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बनाएगा आईआईटी दिल्ली। इसके 50 साल पूरे हो गए हैं अभी आईआईटी दिल्ली के, और 50वां जो इनका सेरेमनी था कॉन्वोकेशन, उस पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे K7, इसरो के चेयरमैन K7। माइक पोम्पियो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री, इन्होंने कॉरपोरेट एक्सीलेंस के लिए अवार्ड कौन सी कंपनी को दिया है? इस कंपनी ने पानी को काफी अच्छे से बचाया है, ये है पेप्सिको, पेप्सिको इंडिया। और पेप्सिको के ग्लोबल CEO हैं रामोन लागुआर्ता, पहले थी इंदिरा नुई लेकिन अब बने हैं रामोन लागुआर्ता। कोल इंडिया का टारगेट कितना है? कोल इंडिया का टारगेट है कि 100 करोड़ टन कोयला यानी 1 बिलियन, 1 अरब टन कोयले का उत्पादन होना चाहिए कौन से साल तक? तो 2024 तक होना चाहिए 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कौन से कंट्रीज ने साइन करा है? इनकी दूसरी मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, इनका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, तो इनको 2 कंट्रीज ने ज्वाइन किया अभी, और दोनों के नाम है, एक तो है एरिट्रिया और दूसरा है सेंट किटिस एंड नेविस, तो आंसर है A&C।
एरिट्रिया एंड सेंट किट्स एंड नेविस। डस्ट लिक, ये इंडिया और कौन से दूसरे कंट्री के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। डस्ट लिक है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, और ये उज्बेकिस्तान में ही होगी ये एक्सरसाइज। इसके अलावा दो एक्सरसाइज और याद रखिए, कजाकिस्तान के साथ हमारी एक्सरसाइज है प्रबल दोस्तक, कजाकिस्तान के साथ हम एक और करते हैं जिसको बोलते हैं कैज इंड, और किर्गिस्तान के साथ है खंजर। कौन सी कंपनी ने फिटबिट को बाय किया है $2.1 बिलियन में? ये गूगल ने बाय किया है फिटबिट को $2.1 बिलियन में। यह किताब किसने लिखी है अभी अभी? द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। द हिंदू वे को लिखा है शशि थरूर ने। शशि थरूर ने इससे पहले एक बुक और लिखी थी, वाई आई एम अ हिंदू। इसके अलावा ये याद रखिए कि जो HRD मिनिस्टर हैं, पहला रेलवे जोन बनाया जिन्होंने बायो टॉयलेट सारे अपने रेलवे स्टेशन पे लगा दिए, सारी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट लग गए हैं। ये पहला रेलवे जोन ऐसा करने वाला, ये है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें भोपाल, जबलपुर और कोटा डिविजन आते हैं। कौन सा पावर प्लांट है जिसने अभी 50 साल पूरे करे हैं, 50th एनिवर्सरी मनाई? 50th एनिवर्सरी थी तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की, जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दो हैं, तारापुर और जैतापुर। मद्रास यानी कल्पक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में, काइगा है कर्नाटक में, नरोडा है उत्तर प्रदेश में, और कुंडनकुलम एक और है तमिलनाडु में, जहां पे अभी अभी साइबर अटैक भी हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपने डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनका टारगेट कितना कर दिया है? तो 31 मार्च 2020 तक हमारा जो डिजिटल ट्रांजेक्शन का टारगेट होगा वो होगा 45 बिलियन। 45 बिलियन यानी 4500 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए इस साल के अंदर। पहले ये टारगेट था 4000 करोड़ यानी 40 बिलियन, तो इसे 5 बिलियन से बढ़ा दिया है। कौन सा कंट्री है जिसने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च करा है? दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज अभी अभी लॉन्च किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर के साथ हम एक युद्ध अभ्यास भी करते हैं जिसको बोलते हैं सिम्बेक्स, और एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ग्लोबल आयुर्वेद समिट कहां पे हुआ? ये आयुष मंत्रालय करवाता है, और आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं जो नॉर्थ गोवा से लोकसभा सांसद हैं, श्रीपद यसो नायक। ये हुआ कोची केरल में। कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत का जिसपे मालवेयर अटैक हुआ? यह हुआ था कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु में है। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है शॉप क्लूज, ये किसके साथ मर्ज हो गई है? ये कंपनी अभी अभी मर्ज हो गई है QOO10 के साथ, QOO10 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के साथ। कौन से प्लेटफॉर्म ने सारी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को बैन कर दिया है 22 नवंबर 2019 से? यह किया है ट्विटर ने। ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, जैक डॉर्सी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला खान पान के लिए किसको डिक्लेयर किया गया है? टोटल 66 सिटीज हैं यूनेस्को ने जिनको क्रिएटिव सिटी डिक्लेयर किया है। इंडिया की दो हैं उनमें, एक तो है हैदराबाद जो गैस्ट्रोनॉमी के लिए है, और दूसरी है मुंबई जो कि क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म जिसे डिक्लेयर किया गया है। कितनी सरकारी व्हीकल हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिससे वो इको फ्रेंडली बन जाए? ये अनाउंस करा हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने, इनकी संख्या है 5 लाख। वर्ल्ड हेरिटेज एक साइट है जिसको बोलते हैं शूरी कासल, इसमें अभी अभी आग लग गई और ये खत्म हो गया, तबाह हो गया। ये कहां पे है? शूरी कासल था जापान में, तो यह फोटो में देख सकते हैं, ये है शूरी कासल, इसमें आग लग गई। नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए अब कौन एलिजिबल होगा? याद रखिए, अब जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो भी एनपीएस के लिए एलिजिबल होंगे। अभी अभी ओसीआई स्टेटस आतिश तसीर का रिवोक कर दिया गया, आतिश तसीर। 14th नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, भारत में फीमेल्स की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? भारत में फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70.2 ईयर्स, और पुरुषों की है 67.4, और अगर दोनों का एवरेज ले लें तो दोनों का एवरेज है 68.7, यानी भारत में अगर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68.7। तो अगर मेल या फीमेल मेंशन ना हो तो आंसर हो जाएगा 68.7, मेल्स की है 67.4 और फीमेल की है 70.2। नेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये हम 29 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। कौन सा साइक्लोन आया था इस दिन? आज से 20 साल पहले आया था सुपर साइक्लोन 1999। ये मेनली ओडिशा में आया था, इसमें लाखों लोग मारे गए थे, इसीलिए हम नेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाते हैं 29 अक्टूबर को। लगभग 2200 से ज्यादा पंचायत इस राज्य में नेचुरल फार्मिंग करेंगी, और स्कीम का नाम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। ये कौन से स्टेट में है? ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। वेंकैया नायडू, उन्होंने
संसद में सुधार के लिए यानी जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितने पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा दिया है अभी, ये दिया है 15 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा पार्लियामेंट रिफॉर्म्स के लिए। कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हैं जिन्होंने भारत का पहला ब्रेन एटलस तैयार करा है, फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस, ये बनाया है IIIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने, IIIT हैदराबाद। कौन सा कंट्री है जो गेस्ट ऑफ ऑनर होगा शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में, शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में जो कंट्री गेस्ट ऑफ ऑनर है वो है मैक्सिको, और आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में इंडिया है गेस्ट ऑफ ऑनर, और दोनों हो रहे हैं UAE में। 28वां व्यास सम्मान किसे मिला है, 28वां व्यास सम्मान मिला है लीलाधर जगूरी को, लीलाधर जगूरी ये जाने माने हिंदी के विद्वान हैं, लेखक हैं, और इन्हें अपनी कविताओं का संग्रह जिसका नाम है जितने लोग उतने प्रेम, उसके लिए मिला है, जितने लोग उतने प्रेम। फोकस कंट्री जो गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें फोकस कंट्री कौन सा होगा, इसमें फोकस कंट्री है ईरान, ईरान। भारत के एम्बेसडर कौन बने हैं यूएई के लिए, यूएई के लिए हमारे नए एम्बेसडर हैं पवन कपूर, हम थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं यूएई के। आसियान सम्मिट कहां पे हुआ, आसियान सम्मिट ईस्ट एशियन सम्मिट दोनों हुए थाईलैंड में, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। सो ये था हमारा वीडियो, नवंबर के बेस्ट जो 200 क्वेश्चन हैं उनमें से मैंने लगभग 130-140 क्वेश्चन कुछ कवर किए हैं पार्ट वन में, और इतने ही कवर होंगे पार्ट टू में। ये वीडियो रिवीजन के तौर पे यूज़ किया जाता है तो इसमें आपको अपना स्कोर कमेंट्स में लिखना होता है, और मेरे को पूरी उम्मीद है अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं डेली करंट अफेयर वाले पूरी उसके साथ पूरी अपनी पैशन के साथ तो आप इसमें आराम से 90% स्कोर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को जितना हो सके रिवाइज करें और एग्जाम से पहले देख के जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग StudyIQ प्रीमियम।